अरे भाई तुम चाटो मत बे, हमको कहीं नहीं यार, हमको बयार यार भाई कहीं नहीं यार, हमको लॉकडाउन चल रहा है भाई, पुलिस है बयार में, हमको मार नहीं खाना भाई, तुमको तो पता है कि हम पुलिस पता है कितना इज्जत करते हैं। हाँ भाई फोन रखो, हमको बयार नहीं आना भाई, तुम चाटो मत ज्यादा, रखो फोन रखो। बोलो भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी को एक लेटर लिख दे कि लॉकडाउन 1 महीने के लिए और बढ़ा दे, हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई। क्या हो गया, गाड़ी चालू होगी नहीं अभी? 5 मिनट रुको पापा। ठीक है भाई, थोड़ा बाद में बात करते हैं हम, थोड़ा पापा खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, थोड़ा हम घर के लाड ले है ना। ओके बाय। क्या कर रहा है अभी? कंपनी का फोन है पापा। अरे भाई कोई है, खोलो यार प्लीज, भगवान से तो डरो यार प्लीज, खोलो यार मुझे बाहर जाना है प्लीज, जिंदा आदमी को कौन ऐसे बंद करता है भाई, प्लीज खोलो यार। इसके घर में यार बाहर निकलने के लिए, निकल अभी, सही करता हूँ साले, निकल अभी। क्या यार गुरु यार, आँख खुलते नहीं यार, मोबाइल लेके बैठे हो, तुम्हारे पास कोई काम है कि नहीं? क्या करूँ यार, लॉकडाउन में टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा एक पैकेट लेके आओ तो मेरे लिए सिगरेट का। मैं नहीं जाऊँगा बाजार में पुलिस है। अरे भाई तुम्हारी माँ की कसम यार, लेके आओ जल्दी यार, जब माँ कसम खा दिया तो जाना पड़ेगा यार, जल्दी आओ, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी आना। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। पिंटू, ओ पिंटू, पिंटू। हाँ बोल। अरे भोलू है ना, भोलू काम बोल, काम सिगरेट मंगा रहा है। सिगरेट नहीं भाई। अरे भाई पता चला है तू ब्लैक में बेच रहा है भाई, पैसे दे, पैसे दे भाई, जल्दी दे, रुक जा 2 मिनट लेकर। ए बुआ रुक जा, मेरा नंबर है। ए बबुआ क्या कर रहा है, तुमको पता नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है? सर माँ का तबीयत खराब है सर, माँ के लिए दवा लेने हैं सर, आपको जो सजा देना है दीजिए सर। भाई माँ तो माँ होती है भाई, तो माँ के लिए आया भाई, जो पुलिस वाला वचन देता है तुमको नहीं मारेगा, माँ तो माँ होती है भाई, भाई। तो माँ के लिए आया, तो माँ के लिए आया, माँ के लिए आया तू, पुलिस वाला का पागल बना रहा है, पुलिस वाला का पागल बनाएगा तू, पुलिस वाला का पागल बनाएगा तू। यार 2 घंटे से गया यार मार्केट में, अभी तक आया नहीं, रुको कॉल करते हैं भाई। आ गया भाई। हाँ भाई। सिगरेट लाया? लाया हूँ, माँ का सुन कैसे तोड़ सकता हूँ। ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए? मुंह में क्या हुआ है? पुलिस ने पिटाई कर दी क्या तुम्हारी? पूरा बक्सर जिला की पुलिस मुझे पहचानती है, मार कैसे देगी? अरे बहुत सही भाई। हाँ पिंटू कहाँ बे? आप पबजी खेलते हैं? और एक बात सुन, लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे पुलिस वाला चाचा बहुत मारा है रे पिंटू भाई, बहुत मारा है रे भाई। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है तुम? बाहर क्या कर रहा है? तुमको पता नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है? सर पापा का तबीयत खराब है, जा रहे हैं दवा लाने। पागल बना रहा है तुम? सर माँ कसम सच बोल रहे हैं। चल निकल जल्दी, निकल 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 निकल। सर गौरव जी सर पुलिस गया तो काम बा उल्लू बना हुआ, जा तनी मौज मस्ती करे। एक तो साला इन लोगों के लिए दिन भर ड्यूटी करो और हमको ही पागल बना रहा है, साला कोई भी आएगा मारूंगा साले को। बाहर क्यों घूम रहा है? तुमको पता नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है? सर गरीब आदमी है सर, जा रहा है राशन लाने के लिए, घर में राशन घट गया है।
हमको पागल समझा है, घूम रहा है, बोल रहा है कि जा रहे राशन लेने। हाँ चुतिया समझा है तुम लोग, पुलिस को पागल समझ रखा है। सर भले ही गरीब आदमी है सर, लेकिन हम हर नियम का पालन करते हैं सर, मजबूरी में हमको निकलना पड़ रहा है। सबका सब नौटंकी बना रखा है, पागल समझा है। भागो भागो यहाँ से, भागो भागो। सब्जी लाने जाना है साले को, झूठ बोलता है साला सब। यार तुम तो सच में राशन लाने गया था भाई, मैं बिना वजह के तुमको मार दिया। सर इसमें आपकी गलती नहीं है, पढ़े लिखे कुछ लोग हैं सर जो लॉकडाउन में भी बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों की वजह से हम जैसे गरीबों को सजा मिल रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सर आप भी तो सुबह से भूखे प्यासे इतने धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, सर लीजिए आप भी कुछ खा लीजिए, इतना तो नहीं लेकिन मेरे जितना औकात था उतना लाया हूँ। आप इंसान नहीं हैं सर, इंसान के रूप में भगवान हैं, जो इतने लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप दिन भर ड्यूटी करके हम जैसे लोगों का सेवा कर रहे हैं। सर जब आप हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जय हिंद सर। जय नमस्कार मित्रों, मैं हूं सोनू द्विवेदी, आप सबके बीच में युवा समाज सेवी सिमरी बक्सर से। मैं आप सबके बीच में एक संदेश लेकर के आया हूं कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ रही है, उसको जूझ रही, उससे प्रभावित है पूरे दुनिया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी कोरोना योद्धा है, डॉक्टर्स की टीम हो, नर्स की टीम हो, उसके बाद प्रशासन हो, उसका आप सभी अधिक से अधिक दो कदम आगे बढ़ करके उसका मदद करें, उन लोगों का सम्मान करें और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को हराने में भरपूर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।